प्रतिबद्ध हैं और अब जोरदार तालियों से हम संबोधन के लिए शुभाशीष के लिए अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिनको सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं जोरदार तालियों मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई केशव मौर्य जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी संसद में मेरे सहयोगी नागेंद्र प्रताप सिंह जी श्रीमान श्यामाचरण गुप्ता जी विधायक गण और सभी महानुभाव अर्धकुंभ के पूर्व ये सौगात सिर्फ प्रयागराज के लोगों के लिए सीमित नहीं है एक प्रकार से ये सौगात देश और दुनिया के लिए है प्रयागराज के लिए कुंभ का मेला नई बात नहीं है सदियों से ये परंपरा चली आ रही है लेकिन शायद ये पहला कुंभ मेला ऐसा है कि जो जल थल और नभ तीनों मार्ग से यात्री आ सकेंगे इस बात का सबूत है कि जब देश आज तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है तो भारत का मिडिल क्लास का बल्क भी बढ़ता चला जा रहा है उनकी परचेजिंग कैपेसिटी स्पेंडिंग कैपेसिटी काफी बढ़ रही है उनके एस्पिरेशंस भी बहुत हैं और इसलिए जब विकास होता है अगर उसके साथ हम आधुनिकता के संबंध में सजग रहकर के प्रयास करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है वर्तमान सरकार का ये प्रयास रहा है कि भारत की मूलभूत समस्याओं को भी एड्रेस किया जाए उसमें से मुक्ति के लिए प्रयास किया जाए और भारत को वैश्विक स्तर पर आधुनिक बनाने की दिशा में भी उतना ही प्रयास हो अब जैसा अभी सुरेश जी कह रहे थे कि दुनिया में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर का स्थान है उसमें भारत अग्रिम पंक्ति में है पिछले वर्ष और ये जब कोई भी सुनेगा तो उसको आश्चर्य होगा हमारे इतने बड़े देश में रेलवे के एसी कोच में जितने यात्रियों ने ट्रैवलिंग किया उससे ज्यादा लोगों ने हवाई जहाज में ट्रैवलिंग किया है कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि एविएशन सेक्टर रेलवे के साथ मुकाबला करने की ताकत पर पहुंच जाए आप हैरान होंगे देश आजाद हुआ तब से अब तक सिविल एविएशन सेक्टर में हमारे देश में कोई 400 450 जहाज सेवा में रहे हैं प्राइवेट भी आ गए सरकारी भी आ गए सब 400 450 इस एक वर्ष में नए 1000 जहाज का ऑर्डर बुक हुआ है यानी 50-60 साल में 450 और इस वर्ष 1000 नए जहाज
यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। और हवाई जहाज आकाश में उड़ना वो एक बात है, लेकिन ग्राउंड पर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब यही टर्मिनल करीब 169 करोड़ रुपीस के साथ बना, और एक्सपांशन होगा तब और खर्चा होगा। लेकिन ये भी विशेषता है प्रयागराज की कि हिंदुस्तान में जितने टर्मिनल बने हैं उसमें कम समय में बनने वाला एक टर्मिनल है, 11 महीने में तैयार हो गया। वरना हमारे देश में कोई सोच ही नहीं सकता है कि इतनी तेजी से काम हो भी सकता है क्या, क्योंकि हमें वो पुरानी आदत लगी हुई है। लेकिन सरकार बदलती है तो कैसे व्यवस्थाएं बदलती है उसका ये नमूना है। और अभी तो इसका प्रारंभ है, लेकिन आज इसका 4-स्टार रैंकिंग हो चुका है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यहां व्यवस्थाओं को एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर के विकसित की गई है। और कल्पना यह है कि आने वाले दिनों में प्रति वर्ष, ये कुंभ के कारण तो खैर जंप बहुत बड़ा लग जाएगा, लेकिन एवरेज सालाना 1,00,000 पैसेंजर्स इसी टर्मिनल से जाएं, ये कल्पना है। यानी कितने बड़ी मात्रा में जहाज का आना होगा। हवाई कनेक्टिविटी होती है तो हम दूर सुदूर क्षेत्रों के साथ बहुत जल्दी से जुड़ जाते हैं, भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, देहरादून हो, चारों तरफ आपका जुड़ाव बढ़ेगा। आज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं, बिजनेस वर्ल्ड के लोग हैं, उनको अगर कनेक्टिविटी की सुविधा सरल हो तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाता है। हम ये सोचे कि इन्वेस्टमेंट करने वाला लखनऊ उतरेगा, फिर कार लेगा, फिर इलाहाबाद आएगा और फिर यहां कुछ धंधा करेगा, वो जमाना चला गया। अब तो वो चाहता है कि जहां उसको काम करना है उसके पास सारी कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं मिले। और इसलिए देश में तेज गति से हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। उड़ान योजना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम सफलतापूर्वक किया है। दूर सुदूर क्षेत्र के लोग, जहां रेल और रोड कनेक्टिविटी 6-6, 8-8 घंटे, जैसे नॉर्थ ईस्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तो 6-6, 6-8 घंटे लगते हैं, हवाई जहाज में 1.5-2 घंटे में पहुंच जाता है। उड़ान सेवा का लाभ बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। और मैंने जब उड़ान सेवा का प्रारंभ किया था तब मैंने कहा था, मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ना चाहिए। सामान्य मानवी को भी ये सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और उसकी ताकत के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। वो आज संभव हुआ है और उसी को लेकर के आगे बढ़ने का हमारा प्रयास है। मुझे विश्वास है टूरिज्म सेक्टर भी भारत में एक बहुत बड़ा संभावनाओं वाला क्षेत्र है। हमने इसका जितना बल देना चाहिए था, किसी न किसी कारण से हम गाड़ी पीछे छूट गई। लेकिन अब दुनिया के लिए हिंदुस्तान एक डेस्टिनेशन बन गया है। यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति, यहां का आर्किटेक्चर, यहां की जिंदगी अब विश्व को आकर्षित कर रहा है। मैरिज के लिए आज भारत डेस्टिनेशन बनता चला जा रहा है। दुनिया के लोग शादी के लिए भारत को पसंद करने लगे हैं। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी निवेश और अधिकतम रोजगार, ये टूरिज्म सेक्टर में है। अब प्रयागराज अपने आप में सारी विरासतें यहां है।
वो हिंदुस्तान का द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों नहीं बन सकता है? और पूरा उत्तर प्रदेश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आकर्षित करने का माजा रखता है जी। उसका मन करेगा मैं कभी न कभी तो काशी जाऊं, मथुरा जाऊं, वृंदावन जाऊं, अयोध्या जाऊं, प्रयागराज चला जाऊं, त्रिवेणी में स्नान करके आ जाऊं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में पड़ा हुआ है। हर बेटा चाहता है कि माँ बाप को कभी न कभी वहां ले आऊंगा। हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा मुझे कभी न कभी यात्रा कराएगा। इतना बड़ा एश्योर्ड मार्केट है, एक प्रकार से अगर मार्केट की भाषा में कहूं तो। ये हमारा काम है कि हम 130 करोड़ देशवासियों को मजबूर करें कि तुम्हें प्रयागराज आना ही पड़ेगा। व्यवस्थाएं विकसित करें, आकर्षक वातावरण पैदा करें, तो टूरिस्ट को आने का मन करता है और टूरिज्म इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ताकत रखता है। और टूरिज्म के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता चला जाता है, हर किसी को रोजगार मिलता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, पूजा पर अर्चन करने वाला कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, हर किसी के लिए इतनी सुविधा वाला है। ये टर्मिनल बनने के बाद उसकी एक अहम जरूरियात पूरी हुई है। आगे की चीजों की ओर प्रयागराज के लोगों ने सोचना चाहिए। यहां की इकोनॉमी की एक ताकत का केंद्र बिंदु ये टर्मिनल बन सकता है। तो मुझे विश्वास है कि हम सब लोग इस नई सुविधा से तो लाभान्वित होंगे। प्रयागराज का एविएशन वर्ल्ड के अंदर मैप पर उसका जगह बन जाएगा। कुंभ के मेले में तो लोग इसका फायदा उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन सामान्य जीवन का अब हिस्सा बन गया है। हवाई जहाज यात्रा कोई बड़ी लग्जरी नहीं रही है, एक प्रकार से व्यवस्था का हिस्सा बनता चला जा रहा है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि गरीब के हाथ में मोबाइल हो सकता है। जितनी आसानी से आज सामान्य व्यक्ति भी मोबाइल फोन लेकर के आपको सब्जी बेचने वाला आएगा तो भी उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है, दूध बेचने वाला आता होगा मोबाइल फोन है, अखबार डालने वाला आता होगा मोबाइल फोन है, वैसा ही एविएशन सेक्टर की संभावना है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति इंतजार करना नहीं चाहता है, समय ज्यादा लगाना नहीं चाहता है, जल्दी से जाना चाहता है। इसका लाभ एविएशन सेक्टर को मिल रहा है और नागरिकों को सुविधा मिल रही है। मैं फिर एक बार डिपार्टमेंट के लोगों को, एविएशन सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को 11 महीने में ये काम करके देना, ये अपने आप में अभिनंदन के पात्र है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, सुरेश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि अच्छा काम किया और प्रयागराज की आवश्यकता के अनुसार समय से पहले हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।